हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक के बारे में। और इंडियन बैंक के शेयर ने इस साल काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और एक महीने से लगभग इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इसके जो अब टारगेट प्राइस आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं, यानी कि आपको एक अच्छा आगे आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। प्लस जो इसने बीते हुए टाइम में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, ये मैंने इसका 6 महीने का टारगेट चार्ट लगाया है। और अगर मैं इसका 1 साल का चार्ट लगाऊं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 139% के इसने रिटर्न दिए, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं इंडियन बैंक ने। और आगे आने वाले टाइम में भी रिसर्च ब्रोकर्स रिसर्च ने भी काफ़ी अच्छे इसके टारगेट तय किए हैं। तो डेफिनेटली हमें ये बात को समझना चाहिए कि जैसे सरकार ने काफ़ी निर्णय लिए थे इस साल बैंकिंग सेक्टर को सुधारने के लिए और उसने प्राइवेटाइजेशन पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया था, उसी के साथ साथ आप देख पाएंगे कि इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा अब मूव आया। हालांकि पूरे के पूरे आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा मूव आया इस साल, और आप देख सकते हैं कि जो इसका प्राइस था वो काफ़ी हाई चला गया। और अभी भी इसके अंदर जो स्टॉक ब्रोकर है वो अच्छा खासा पोटेंशियल देखते हैं। हालांकि ये अभी फ़िलहाल अगर 1 महीने का मैं अगर चार्ट लगाता हूँ तो लगभग 3.5% ये डाउन है और एक करेक्शन मोड पे ये चल रहा है। हालांकि इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन अभी इसके अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो वो सबसे बड़ी देखने की चीज़ होगी कि इस समय आप इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होगी कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इस बैंकिंग के अंदर अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि उनको ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये शेयर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और देन ब्रोकरेज फर्म में भी इसके ऊपर अच्छे टारगेट दिए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन बैंक एक सरकारी बैंक था, फिर सरकार ने धीरे धीरे इन बैंकों के अंदर से कई बैंकों की हिस्सेदारी अपने बेच दी प्राइवेट सेक्टर में और कई बैंकों को मर्ज कर दिया। तो उन्हीं बैंकों में से एक है ये, और आप देख सकेंगे कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है बीते क्वार्टर के अंदर, और म्यूचुअल फंड स्कीम ने इसके अंदर पैसा लगाया। तो मैं आपको वही दिखाना चाहूँगा। तो ये आप देख सकते हैं इंडियन बैंक के अंदर लगभग 5.7 करोड़ शेयर की बाइंग हुई है और इसमें 826 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं और लगभग 46 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इसके अंदर पैसा लगाया। तो ये बहुत देखने वाली बात ये होगी कि इतने सारे म्यूचुअल फंड ने इसके ऊपर अपनी रिसर्च और देन उसके बाद कवरेज जो करी है वो बहुत अच्छी करी है और इसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट लगाया है। अगर मैं इसके अमाउंट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अमाउंट है जो अच्छा खासा लगाया गया है, और अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये 46 म्यूचुअल फंड स्कीम ने, यानी कि 46 बहुत ज़्यादा होती हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम ने इसके अंदर पैसा लगाया है। तो ये बहुत देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर अच्छा खासा बूम आ सकता है। इंडियन बैंक है, और इसके अलावा मैं इसके आपको टारगेट दिखाना चाहूँगा। और काफ़ी टाइम से आप देखेंगे कि इस शेयर ने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं, और डेफिनेटली आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आगे आने वाले टाइम में भी ये बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा आपको। बैंक का चार्ट लगाया है, इसके अंदर जो रिकमेंडेशन आई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिकमेंडेशन काफ़ी हाई आई है, यानी कि मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ICICI डायरेक्ट ने इसको 140 रुपये पे रिकमेंडेशन दिया है 22 जुलाई को, और आज इसका जो प्राइस है लगभग 136 से 138 रुपये का इसने लो मारा है, और अभी भी इसके टारगेट जो प्राइस दिए गए हैं वो 180 रुपये दिए गए, यानी कि बाय रिकमेंडेशन दी गई है ICICI डायरेक्ट के थ्रू। एंड देन MK ग्लोबल फाइनेंस ने इसके ऊपर टारगेट और भी ज़्यादा दिए हैं, यानी कि 225 के टारगेट दिए हैं, और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही अप जाने वाला आगे आने वाले टाइम में। और उसके बाद अगर मैं बोलूं तो मोतीलाल ओसवाल जी ने इसका जो टारगेट प्राइस है वो 175 रुपये दिया है, यानी कि आप तीन ब्रोकरेज फर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। इनकी रिसर्च बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी चीज़ होगी चार चार एक ही शेयर के अंदर अगर रिसर्च आ रही है तो आपको ये बात समझने वाली होगी कि यानी कि ये सारी की सारी रिसर्च फर्म इस शेयर के लिए बुलिश है, और आप आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी अप मूव आते हुए देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे टारगेट दिए गए हैं शेयर के लिए। हालांकि जो भी टाइम अभी इसके साथ करेक्शन है, आपने देखा होगा कि पिछले वीक और इस वीक में भी करेक्शन काफ़ी रहा मार्केट के अंदर, तो एक 22 तारीख का और 20 तारीख का और 19 तारीख के इसके प्राइजेज हैं,
उस समय थोड़े से ऊपर या नीचे होंगे, लेकिन अभी भी इसके जो प्राइस हैं वो आप मैच कर सकते हैं, लगभग 136, 37 और 38 के आसपास ही घूम रहा है। इसने कोई लगभग एक महीने के अंदर कोई अपमूव नहीं आया, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छे टारगेट दे सकता है। तो यहाँ से आप आगे देखेंगे कि एक आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद होगी, जो लगभग 40-50% के रिटर्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सबसे अच्छी समझने वाली बात होगी कि जो रिकमेंडेशन दी गई है वो 3-3 ब्रोकरेज फॉर्म के थ्रू आई है, और आपको इस शेयर के अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आगे दिखाई देगी। और जैसा कि मैंने दिखाया कि म्यूचुअल फंड स्कीम ने भी काफ़ी अच्छा इस शेयर के अंदर प्राइस जो अमाउंट है वो लगाया है, लगभग 836 और 40 करोड़ का। तो वो भी देखने वाली बात होगी कि इतना सारा अमाउंट उन्होंने इसके अंदर डंप किया है, तो आगे आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर बहुत अच्छा अपमूव आने वाला है। आपको भी इस शेयर के अंदर जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है उसका ध्यान रखना चाहिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से रिसर्च कर लें, और एक बार खुद भी अपने हिसाब से इस शेयर के बारे में देख लीजिएगा। तो ये थी इंडियन बैंक के ऊपर एक छोटी सी कवरेज। आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे मणप्पुरम फाइनेंस के बारे में, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस शेयर के अंदर एक कितना बड़ा अपमूव आने वाला है।